जब ये भागेंगे ना और जनता इनके पजामे का नारा खींचेगी तब भावुक होंगे ये। हाँ। भावुक तो अभी नहीं होंगे। हाँ। ये भाजपा ही तब भावुक होंगे जब ये देश से फरार हो रहे होंगे। हाँ। और इनका पजामा भी उतरवाया जाएगा। हाँ। इनका एक ही इलाज है, मई जून की सख्त गर्मी में गर्म रेत पर लिटाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जितना मारा जाए उतना कम है। चुनाव आयोग पता नहीं कौन सी नशे की गोली खा के सो रहा है। मैं तो चुनाव आयोग नहीं जग रहा, ये चुनाव आयोग ऐसी नशे की गोली खा ली। जो भैया इस देश के अंदर चुनाव की कुछ गरिमा होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। चुनाव ये कहता है कि आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हाँ। धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। हाँ। नरेंद्र मोदी जो है वो असम में गए तो मोदी के नाम पर, वो निरहुआ आपके पड़ोसी हैं, निरहुआ है पहले जीत चुके और कह रहे फिर जीतूंगा। वो निरहुआ से पूछ लिया एक पत्रकार ने कि देश में बेरोजगारी जो है, तो निरहुआ कह रहे हैं योगी और मोदी के तो बच्चे ही नहीं है। मतलब योगी मोदी के बच्चे नहीं है तो देश में बेरोजगारी क्या? योगी मोदी, वो कह रहे योगी मोदी ने बेरोजगारी नहीं कर रखी, तो बाकी के जिनके बच्चे उनको रोजगार आप नहीं दोगे? देखिए एक बात बता दूं, 2014 के समय जिसका पूरे देश में शोर था, आज 2024 में पता चल गया वही देश का सबसे बड़ा चोर था। और आज उस चोर को इस देश से भगाने की बात चल रही है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश को लूटने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश को लूटने का काम किया है, आज इस देश के नौजवान हो, किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सबके सब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए देश के अंदर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक समय ऐसा था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया था, आज ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए ये पूरा देश आज एकजुट हो चुका है। कह रहे भगाने के लिए युवा, कह रहे भाई मोदी जी को जिताना है, बंपर वोट। अरे ये कोई युवा नहीं है, ये वो अंधभक्त है, महंगाई से फट चुका है कच्चा, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारा फेकू सबसे अच्छा। इन्हों का महंगाई से कच्चा पड़ चुका है और उसके बाद भी कह रहे हैं फेंकू सबसे अच्छा। फेंकू इतनी रफ्तार से फेंक रहा है, इतनी रफ्तार से फेंक रहा है और किसी चीज की लीगल गारंटी नहीं दे रहा। क्या आपके फेंकू के पास, यानी आपके चचा 56 इंची वाले चचा के पास किसान की MSP की गारंटी है, लीगल गारंटी है आपके फेंकू के पास? अरे बताइए ना, ये पत्रकार हूं हूं कर रहे हो। अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, हाथ में माइक देकर इन्हें पत्रकार न समझे, ये भाजपा के दलाल है, ये मैं आपको बता दूं। अरे क्या हिंदू है कि मुसलमान? अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों आपको क्यों वो डाउट क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के सामने अगर कोई हिंदू लीडर लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, मुस्लिम ही लड़ेगा तो जीत पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब गवर्नेंस में है, आप हिंदू नेता हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हैं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है, आप सबका ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पर चुनाव के बाद चर्चा चल रहा है, सरकार चलाने के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। सरकार चलाना है तो कौन न्यूट्रल रहना, कौन सेक्युलर रहना, कौन सी विचारधारा से सरकार चलाना है, कौन सी तरीका से सरकार चल सकता है। जब चुनाव लड़ना है तो स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी नरेंद्र मोदी जी क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे, प्रशांत किशोर ने क्यों बनाया, सुनील कनगोलू क्यों आए मार्केट में? स्ट्रैटेजी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। जो आदमी चुनाव लड़ना है तो अगर OBC कौन है, बार बार पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी मैं बड़ा OBC नेता हूँ बोलता है, ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्लेम कर सकते क्या? OBC इसका मतलब अपर कास्ट के खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी, आप क्या बोलना चाह रहे लेकिन आपके नेता राहुल गांधी तो सड़क पर जाकर सबसे पूछते हैं आप कौन से कास्ट के हैं, आप OBC क्यों नहीं है, वो तो पत्रकारों से भी पूछते हैं आप किस कास्ट के हैं। तो मोदी जी बोले कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग OBC के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे, हम तो कर रहे हैं। नाविका जी वो करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है। राहुल जी ये पूछ रहा है कि समाज में कितना पिछड़े लोग है, OBC के लोग है, इनका तरक्की क्यों नहीं हो रहा है, गरीब लोगों को जो गरीब दिखता है, जो साइकिल पंचर बनाने वाले, पान डब्बा में काम करने वाले, मोस भेजने वाले कने, छोटे छोटे गरीब लोगों कने राहुल जी जाकर उनसे पूछ रहा है भाई आप कौन सी जाति का है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है अपर कास्ट जो भी तो मिनिमम परसेंटेज है कॉर्पोरेट सेक्टर है या IAS ऑफिसर्स है या पॉलिटिशियंस है, पूरा वेल्थ अपर कास्ट के हाथ में कितना है, गरीब लोगों के हाथ में कितना है, वो दिखाना चाह रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं BJP और नरेंद्र मोदी को 150 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 180 सीटें आएंगी। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं 220 से 240 आएंगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपस में बात नहीं करते हैं क्या? अगर बात करते तो स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हो वो भी सेम रहता और इंटरनल जो आपका सर्वे है उसका भी पता चलता। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम भी पत्रकारों से ज्यादा बात करते हैं ना, जो पत्रकार हमें दिखाएंगे वो हिसाब से कभी कभी हम लोग भी गलत फहमी में चले जाते हैं। मारो हमको मारो, तो ये फोकस करो जरा पहले। ये कांग्रेस के टाइम पे 55,000 की मिलती थी और आज कितने एक बता आपको, सबको आपको बता कितने की है ये? नहीं पता, हमें नहीं पता।
क्योंकि आपको कमाने नहीं पड़ा। अब ये 1,00,000 रुपए की है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है? सब इलेक्शन में जा रहा है, इलेक्शन में। सब ये गरीब आदमी मोटरसाइकिल लाता, पहले साइकिल लाता था, मोटरसाइकिल लाता है, और क्या करा इन्होंने, इस पर 1,00,000 रुपए की इसको कर दी 55,000 से। है कभी किसी ने मोदी जी ने बोला 55,000 क्यों करिए? है ये पैसा कहाँ जा रहा है पता है आपको? ये सब मोदी की जेब में जा रहा है, इलेक्शन पे जा रहा है, है नहीं? पेट्रोल की भी बात, इसमें पेट्रोल पड़ा है, पेट्रोल मैं अभी ऑन करता हूँ। मैं पहले टंकी फुल कराता था, 200 का डलवाता हूँ, जैसे खड़ी करके पैदल चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो बच्चे पालने, दो पैसे बच्चों के लिए बचाने। बाइक है लेकिन फिर भी पैदल चलना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। मोदी ने तो हालत कर दिया देश की, शायद कोई आज तक प्रधानमंत्री कर पाया हो, उसका पता नहीं है। वो कहता है मैं गरीब घर से हूँ, वो गरीब घर से नहीं, बहुत अमीर घर से, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। अभी 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 सब सबको बोलता है मैं चाय वाला हूँ। उसके उम्रों का कोई आया खड़ा हुआ? बाबू बाबू जी आप हो गए, इधर आओ। कभी ट्रेन में सफ़र करा आपने? ट्रेन में सफ़र करा कभी आपने? मोदी के हाथ की चाय पी है? नहीं पी। आज तक कोई भी बता दे उसे मैं अपने पूरी जितनी मेहनत करके कमाया तक सारा उसके नाम कर दूंगा, और कोई माई का लाल आके बता दे मैंने मोदी के हाथ की चाय पी है, कोई बता दे। मतलब आप जनता के बीच में ढूंढते हैं कि किसने मोदी जी की तरह चाय बेची है या चाय पी है, और रेलवे स्टेशन पर जो मोदी के हाथ की चाय पी हो जिसने, उसे ढूंढता हूँ मैं। आज तक मुझे कोई नहीं मिला मोदी के हाथ की चाय पीने वाला।